हेलो फ्रेंड्स, मैं घनश्याम सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में जितने भी सिनोनिम पूछे गए थे विथ इमेजेस। ओके, देखिए आप लोग याद करते हैं और कुछ ही दिनों में भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसका समाधान करने के लिए मैंने इमेजेस ले रखा है ताकि आप लोगों को कभी भी नहीं भूलेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड इज इंटरपीड। व्हाट इंटरपीड, इसका मतलब हो जाएगा निडर। ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा, निडर। और इसको हम लोग फियरलेस, हेरोइक, डायनेमिक बोल सकते हैं। ओके, जैसा कि मैंने पिक्चर में ले रखा है, देखिए आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए, है ना। तो इंटरपीड मीन्स निडर, फियरलेस, हेरोइक, डायनेमिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, निष्प्रभाव करना। सॉरी फॉर द मिस्टेक, हिंदी में मैंने हिंदी भी ले रखी है ताकि जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं उन्हें भी याद रखने में कोई दिक्कत नहीं हो, और जब तक आप वर्ड मीनिंग का सेंस नहीं समझते हैं तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ओके, सो हिंदी भी मैंने ले रखी है। एब्रोगेट निष्प्रभाव करना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, निष्प्रभाव करना। इसका सिनोनिम हो जाएगा रिवोक, डिसकंटिन्यू। ओके, रिवोक एंड डिसकंटिन्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। डिफरेंस, व्हाट डिफरेंस, डिफरेंस इसको मत पढ़िएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ई है, आई नहीं है, ठीक है। डिफरेंस मीन्स सम्मान। ओके, दिस सिनोनिम शुड बी रेस्पेक्ट, एस्टीम, होमेज। ओके, जस्ट लाइक दैट यू कैन सी इन द इमेज डिफरेंस। ओके, यहाँ पे देखिए इसका सम्मान कर रहा है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सॉरी कॉन्वेनेंट। व्हाट कॉन्वेनेंट, देखिए इसका मतलब जो होता है वो होता है कानूनी अनुबंध। आप लीज वीज पर ज़मीन लेते होंगे, ठीक है, कोई भी फैक्ट्रीज वगैरह बैठती है बड़े बड़े शहरों में, तो लीज पर बैठती है, गवर्नमेंट जो भी लैंड देते हैं उनको। सो कॉन्वेनेंट, कानूनी अनुबंध। इसका सिनोनिम मुझे एकॉर्ड, कॉन्ट्रैक्ट, बार्गेन। ओके, देखिए मैंने पिक्चर ले रखा है, आप लोग अगर एक बार याद कर लेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। ओके, विथ इमेजेस लर्न करेंगे तो कॉन्वेनेंट, कानूनी अनुबंध। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। और आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, कुछ बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स क्लेम करते हैं कि 10,000 वर्ड्स याद कर लो, 12,000 वर्ड्स याद कर लो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और उतने याद करने के चक्कर में पढ़ें भी ना, ठीक है। जिसका एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है उस टाइप की चीज़ों का आप क्यों पढ़ रहे हैं, अपना समय वेस्ट मत कीजिए, समय बहुत कीमती है। जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उन्हीं को केवल पढ़िए। ओके, सो प्रोलिफरेट का मतलब क्या होता है, संख्या में बढ़ना। ओके, प्रोलिफरेट का मतलब क्या होता है, संख्या में बढ़ना। सो यू कैन से एस्केलेट, मशरूम, जस्ट लाइक दैट ये मैम। ओके, पहले मुझे कहा कि कार चाहिए, फिर हो जाएगा कि बंगला चाहिए, फिर हो जाएगा कि चलो और कुछ चाहिए, फिर पैसे भी चाहिए, तो ये संख्या में बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे। चलिए, और सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू दैट यूज़ इट इन सेंटेंस। ओके, इस सभी वर्ड्स को आप सेंटेंस में यूज़ करके देखिए। ओके, तभी आपको याद रह पाएंगे। ओके, इफ़ यू वॉन्ट टू मोर एंड मोर कमांड ऑन वोकैब्स एंड सिनोनिम्स एंटोनिम्स, देन यू हैव टू यूज़ इट इन सेंटेंस, जस्ट लाइक दैट। अभी मैं आपको बता दूंगा यूज करके। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोध। ओके, आपने पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर भी सुना होगा फिल्म में आई थी, तो पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोध, ठीक है। उसका मतलब जो सिनोनिम होता है वो होता है पजल, कॉन्फ्लिक्ट। ओके, यहाँ पे मैंने इमेज में भी लिख रखा है पैराडॉक्स। ओके, सो आप इसको सेंटेंस में यूज़ कीजिए, जस्ट लाइक दैट इट वाज अ पैराडॉक्स। ओके, इट वाज अ पैराडॉक्स। कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसेप्शन, ज़्यादा बड़े सेंटेंस मत बनाइए, अभी आप छोटे छोटे सेंटेंस बना के याद रख सकते हैं। इंसेप्शन आरंभ, व्हाट आरंभ, इंसेप्शन मीन्स आरंभ। सो वी कैन से फाउंडेशन, इंगुरेशन। ओके, फाउंडेशन, इंगुरेशन, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे देखिए, अब जो लोग इमेज देख लेंगे उन्हें वह तो कुछ भूलेंगे ही नहीं। सो वी कैन यूज इट इन सेंटेंस, इट वॉज एन इंसेप्शन ऑफ द वर्क। ओके, इट वॉज एन इंसेप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। ग्रैंडियर, दिस वर्ड इज वेरी नाइस फॉर एवरी वन। देखिए यहाँ पे देखिए आप, ग्रैंडियर, व्हाट
सही से प्रोनाउंस कीजिए, ग्रैंडियोर। ओके, इसका सिनोनिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्निफिसेंस, स्प्लेंडियर। ओके, एक स्प्लेंडर बाइक भी आई थी, बहुत चला था, ठीक है, आपका हीरो का आता है स्प्लेंडर, तो मैग्निफिसेंस स्प्लेंडर। और देखिए यहाँ पे मैंने ले भी रखा, इसका मतलब क्या होता है, शान। अरे भाई आप ये गाड़ी ले लेते हो तो क्या हो जाएगी, शान बढ़ जाएगी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। देखिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा वरना वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, फिर भी मैं सेंटेंस में यूज़ करके आपको बता देता हूँ, ओके, तब आप याद रख पाएंगे। एंड इफ़ यू वांट टू मोर एंड मोर कमांड ऑन वोकैब एंड सिनोनिम देन यू हैव टू यूज़ इट इन सेंटेंस। आई से अगेन एंड अगेन, ट्रैम्प। अब नेक्स्ट वर्ड इज ट्रैम्प। ट्रैम्प मतलब होता है आवारा। क्या होता है आवारा, अब देखिए इसको क्या है ये, तो इसका सिनोनिम होता है स्टम्प, वॉक, मार्च। ओके, जस्ट लाइक दैट आई सॉ एन स्टम्प मैन ऑन द स्ट्रीट, मैंने एक आवारा आदमी को देखा। ओके, आप कुछ भी यूज़ कर दिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेटर। ट्रेटर मतलब क्या होता है, गद्दार। क्या होता है, गद्दार। जस्ट लाइक दैट आप पलासी वाला एक बैटल हुआ था, उसमें आप कुछ पढ़े होंगे, कोई गद्दार था उसमें, कोई मुस्लिम एक रूलर था, तो उस टाइप से वर्ड जो है, ये वर्ड जो गद्दार वर्ड है वो ओरिजिन भी शायद उसी से वर्ड से हुआ है, ठीक है। तो ट्रेटर मीन्स होता है गद्दार। ओके, ये सो ऑडिट में पूछा गया था, इसका मतलब सिनोनिम हो जाएगा नॉमिनी, रेनेगेड। ओके, रेनेगेड जस्ट लाइक दैट, इमेज में आप देख सकते हो क्या है, पीछे से चाकू लेकर रहा है, आगे से तो प्यार दिखा रहा है, पीछे से ये रखा है, ठीक है। तो ट्रेटर मीन्स हो जाएगा गद्दार। एक यूज इसका एक कर लीजिए आप, शी वॉज अ ट्रेटर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन्फैटुएशन। व्हाट इन्फैटुएशन मीन्स आसक्ति। ओके, आसक्ति, लगाव, यू कैन से सो पैशन, डिजायर फॉर, पेंशेंट फॉर, यहाँ पे फॉर लगा लीजिएगा। ओके, सो इन्फैटुएशन, आसक्ति, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने सेंटेंस भी ले रखा है, इट इज इट लव और इज इट इन्फैटुएशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। मोमेंटस, व्हाट मोमेंटस, ये भी एसएससी में पूछा गया था, इसका मतलब होता है सबसे अहम, ठीक है, सबसे अहम। देखिए मैंने इमेज भी ले रखा है ताकि आप लोगों को याद करने में दिक्कत नहीं हो, और यकीन मानिए कि अगर आप एक बार याद कर लेते हैं विथ इमेजेस और सेंटेंस में यूज़ कर लेते हो तो आप कभी भी नहीं भूलिएगा। ओके, सो मोमेंटस सिनोनिम यू कैन से इम्पोर्टेंट, बिग, हिस्टोरिक। ओके, जस्ट लाइक दैट सबसे हम को आप बोल सकते हैं, हमें आज़ादी कब मिली थी, 1947 में, इट वाज अ मोमेंटस, इट वाज अ मोमेंटस टाइम फॉर अस। ओके, एम आई राइट, इट वाज अ मोमेंटस, जस्ट लाइक दैट आप अभी सेलेक्ट हो जाते हैं किसी भी एग्जाम्स में, लाइक CHSL, लाइक CGL, अब इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर बन जाते हो, तो क्या बोलोगे, इट वाज अ मोमेंटस, इट वाज अ मोमेंटस टाइम फॉर मी। ओके, सो मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, सो थैंक यू वेरी मच। और चैनल पे और भी वीडियोस पड़े हुए हैं विद ट्रिक्स, आप लोग देख सकते हैं।